निंदा करते जिन्हों को आप दसण कुछ नहीं होंगे। जे आप दसण होंगे तो पिछले 20 साल जो पंजाब का इतिहास है वो 15 साल इन्हों की हुकूमत रही है। इस करके जो आप दसण कुछ नहीं होंगे तो फिर ये शरीफ बंद पगड़िया उछालते। बीबा हरसिमरत कौर ने जो ये सोशल मीडिया से आंकड़े पाए तो वो ये दसना भुल गए कि ये जो टैक्स पंजाब कल उन्होंने मैं उन्होंने बयान पढ़िया कि 832 करोड़ रुपया सेंटर ने पंजाब को देता है। या तो ये कह देन भाई पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, कोई पंजाब को खैरात असी दे रहे, ये खैर नहीं है, ये पंजाब का हक है। उस तरह ही इन्होंने कहा कि 1100 करोड़ GST का आ गया, फिर 1200 करोड़ फिर आ गया। जेडे सूबे ने 10 लाख बंदियां दा 1947 कतलेआम देखा हो, जिन्हें सूबे की तकसीम देखी हो, सूबा भारत का 1 नंबर का सूबा किवें बन सकता। पंजाब की गैरतमंद धरती के गैरतमंद बेटे ते बेटी हो, मैं मनप्रीत बादल फाइनैंस मिनिस्टर तुहाडे नाल मुखातिब है। अज इंसानियत दुनिया ते मेरी कौम एक खास इम्तिहान विच दी गुजर रही है, एक ऐसा इम्तिहान जिसकी इंसानी तवारीख दे विच कोई मिसाल नहीं मिलती। लोग अपनियां नौकरियां कारोबार और अपने जाति तलुकात तो कटे बैठे है। कोरोना वायरस साडे समाज ते साडे अर्थचारे नाल खिलवाड़ कर रहा है। इस मौके ते अज मैं तुहाडे सामने एक बयान करना चाहुंदा हां। पंजाब हमेशा एक खास तकदीर लिखा के लिया है, पंजाब एक मुनव्वर तकदीर रखता है, पंजाब नू हमेशा डेस्टिनी ने गवर्न किया है, ते पंजाब के रस्ते दे सारे कंडे एक कुदरत ने चुग लेने। और मैं गल इस करके कहना है कि जेडे सूबे ने 10 लाख बंदियां दा 1947 कतलेआम देखा होवे, जिन्हें सूबे की तकसीम देखी होवे, वह सूबा भारत का 1 नंबर का सूबा किवें बन सकता। यह गल मैं इस करके कह रहा कि जेडे सूबे ने 1962, 1965, 1971 की जंग देखी हो, हिंदुस्तान का 1 नंबर का सूबा किवें बन सकता। वह सूबा जिन्हें यूनानिया ने हमला किया, जिन्हें हुन्ना ने किया, तुरकों ने किया, अफगानिया ने किया, मुगलों ने किया, तातारिया ने किया, अंग्रेजा ने किया, तो सारियां नूं पंजाब के खिते च शिकस्त मिली है। तो मैं इस करके कहना कि पंजाब एक खास तकदीर रखता है। पंजाबियों किवें हो सकता है कि जिहड़े सूबे की अर्थचारा 3 साल पहला डावाडोल सी, वह 3 सालों अपने पैरों से किवें खड़ा हो गया। मैं इस करके कहना कि पंजाब एक मुनव्वर तकदीर रखता है और कुदरत ने साडे रस्ते के जिहड़े कंडे है ये सारे चुग लेने। और यह गल मैं कोई शायरी च नहीं कह रहा, मैं 18 साल मैं विद्या इलम किताबां पढ़िया, मैं 25 साल सियासत की थी, मैं जिंदगी दे दोवें रुख देखे। और ये हौसले की गल मैं इस करके कह रहा कि यह पंजाब की तकदीर है, इस धरती दे विच एक जादू है, इस पंजा दरियावां दे पानी दे विच एक सुरूर है कि पंजाब की तकदीर जिहड़ी है ये उभरूगी। और अज सियासत मैं सियासत करदा, सियासत बहुत अच्छी चीज है, एक पैगंबरी जा पेशा, एक बड़ी बड़ी नेक चीज है। मैं सुबह उठता हूं, लोग मेरे को उम्मीद लेके आते हैं और किसी नाल उम्मीद का वाबस्ता हो जाना यह भी एक रब का खास करम हुंदा है। कईयां दे काम हो जाते हैं, कईयां दे काम नहीं हुंदे, लोगों नूं इज्जत देती है। जे किसी का काम नहीं भी होया तां बंदा दित्ती हुई अपनी इज्जत नूं नहीं भुलदा। मैं इस हवाले नाल अज एक पंजाब के लोगों ने गल करनी चाहना कि पिछले 2 दिनों तो पंजाब के सोशल मीडिया से कुछ वीडियोज गर्दिश कर रही हैं और जिदे विच कि जेडे साडे मुखालफीन ने या साडे हरीफ ने सियासी, वो एक तासुर लोगों को यह देन की कोशिश कर रहे हैं कि सेंटर सरकार वालों 1000 करोड़ रुपए कोरोना वायरस की इस जंग दे विच पंजाब की इमदाद वास्ते आया है और यह इमदाद जिहड़ी है यह सही तरीके नाल लोगों नूं नहीं पहुंच रही। पंजाबियों निंदा कौन करता है, निंदा वह करते जिन्हों को आप दसण कुछ नहीं होंगे। जे आप दसण होंगे तो पिछले 20 साल जो पंजाब का इतिहास है वो 15 साल इन्हों की हुकूमत रही है। इस करके जो आप दसण कुछ नहीं होंगे
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਉਛਾਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਗੜੀ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਜ ਪਾਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦੀ ਲੱਜ ਪਾਲਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਨਕੀਦ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 1950 'ਚ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਸਲਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਕਸਟਮਸ, ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਟੈਕਸਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ 58% ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, 42% ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 42 ਰੁਪਈਆਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ 42 ਰੁਪਈਆਂ ਚੋਂ ਇਹ 1.177 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ 100 ਰੁਪਏ ਚੋਂ 1.77 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 2.5% ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 2.5 ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 1.177 ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੰਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜਿਆ ਕਿ 832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਹੈੱਡ ਚ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਡੈਵਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਿਸ 832, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1100 ਕਰੋੜ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 1200 ਕਰੋੜ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1100 ਕਰੋੜ ਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਕਈ ਹਮਦਰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਏਰੀਅਰਸ ਦਾ ਪਿਆ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੋ ਜੋ 15ਵੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ 4 ਆਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ 4 ਆਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ 'ਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹ 495 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ, 495 ਦਾ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ 75% ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ 25% ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ 25 ਅਸੀਂ ਪਾਤੇ, 4 ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤੇ, 12 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ।
आपने ये भी फरमाया कि असी कणक ते दाल जिहड़ी है ये रस्त जिहड़ी है ये पंजाब नूं दे चुके हैं। दरअसल नैशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एक एक्ट बनिया सीगा कांग्रेस की सरकार ने बनाया सी कि हर परिवार नूं 5 किलो महीने का कणक जिहड़ी है देनी है, पर क्योंकि ये क्राइसिस आ गया ये 2 रुपए किलो मिलती सी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अनाज जिहड़ा है इत्थे सड़ रहा सी, पंजाब दे विच ही सड़ रहा सी। इन्हां ने कहता कि 5 किलो तो इलावा 5 किलो बिना किसी पैसे तो ये असी सारे हिंदुस्तान के लोगों 3 महीनों वास्ते असी दे देंगे। ये जिहड़े है ये और ये नाल जिहड़ी दाल है 1 किलो फी महीना। पंजाब जिहड़ा है पंजाब सरकार का यह मुतालबा है कि ये जिहड़े 1-1 महीने की बजाय जे असी 15 किलो यकमुश्त दे दिए, दाल भी यकमुश्त दे दिए, ताकि किसी पर वारी वारी जो साढ़े अफसर या मुलाजम जाते हैं छूत की बीमारी है ये कई बारी करोना ये करके ना फैल जाए कि हर महीने उन्होंने घर फिर वापस जा। इस तो अलावा जिहड़ियां गल्लां एक किसान सम्मान निधि स्कीम ये जो जनरल इलेक्शन होए सी तो मोदी जी ने अनाउंस किया कि हर किसान परिवार को पूरे परिवार को असी 6,000 रुपया देवांगे। उहदी एक किश्त जिहड़ी है 2,000 दी वह लोगों के खाते च पहुंच गई है। जन धन जिहड़े अकाउंट है 500 रुपया जिहड़ा आउंदा है वह लोगों के खाते च पहुंच चुके हैं। पर इस तो इलावा मैं वसूक ना कह सकदा कि एक जिहड़े आए है नैशनल हैल्थ मिशन दे विच 71 करोड़ रुपया पूरे पंजाब वास्ते कोरोना की लड़ाई लड़न वास्ते 71 करोड़ रुपया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आया जिहड़ा कि एक जिले का 3 करोड़ भी नहीं बनता। इस तो अलावा एक दमड़ी भी जिहड़ी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वल्लों पंजाब नू इस महामारी दे लड़न वास्ते नहीं आई। पंजाबियो मैं थोनू ये वसूक ना कहना है कि पंजाब का हथ हमेशा हिंदुस्तान ए रहा कि ए नहीं रहा, तो जे 71 करोड़ पिछे भी कोई एहसान जताउंदे है तो मैनू लगता है ये छोटी राजनीति है, ये छोटा दिल है तो छोटी सोच है, ये जिहड़ी सियासी चपकलिश है ये खत्म होनी चाहिए है। असी हालाते जंग दे विच है, अज असी अपनी कौम नू तकसीम नहीं करना, असी अपनी कौम नू जोड़ना है, तो जुड़ उदों ही सकदी है जदों इस किस्म की जिहड़ी छोटी सियासी राजनीति या सोच है ये मंजरेआम ते नहीं आनी चाहिए। मैं एक वसूक ना थोनू कहना कि जे पिछली सरकार हुंदी जिहड़ी सरकार 10 फसल इन्होंने चकिया 10 की 20 चकिया कटिया, किसान भरा शायद जानते हैं हर बारी इन्हां मंडिया च रुलना पैंदा सी, और जे वो सरकार मंडिया चो कणक ते झोना नहीं चुका सकती वह कोरोना का की मुकाबला कर सकती। ये खुशकिस्मती है कांग्रेस की सरकार है कैप्टन अमरिंदर की सरकार है बर वक्त उन्होंने फैसला लिया। इन्हां दी सरकार हुंदी तां सवेरे करफ्यू ला देना सी, दुपहरे कोई वफद आ जाना सी करफ्यू चक दिओ, इह जे पंजाब नूं इस महामारी तों कोई बचा सकिया। जे पैसिआं नाल पंजाब बचदा हुंदा तां ट्रंप दी दौलत जिहड़ी है अमरीका नूं नहीं बचा सकी, अरबां दे तेल दे खूह भरे पए है उन्हां नूं नहीं बचा सके, यूरोप दी सियाणप उन्हां नूं नहीं बचा सकी। इह डिसिपलिन और डिसिपलिन सिर्फ एक फौज दा कप्तान कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पंजाब च लिया सकदा सी। सो मैं इस वीडियो के जरिए मैं एक बार फिर सारे पंजाबियों को कहूंगा कि अज कौम बनन ते बनाउन दा वक्त है, ये छोटियां गल्लां च आपां नहीं पैना, अगले जिहड़े 2 हफ्ते है ये फैसला कुन होने है। पंजाब दे लोग जिहड़े है इस गल नूं समझ चुके हैं, और मैं गुरु महाराज अगे ये अरदास करदा कि परमात्मा थोनू ते थोड़े परिवारां नूं महफूज रखे। जय हिंद।